दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश। दोस्तों जैसा कि आपके ध्यान में होगा ही, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे नए देशों का प्रवेश होना चाहिए परमानेंट मेंबर के रूप में। ऐसी मांग लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन अभी हाल में चीन में आयोजित की गई थी यूएन की पीस कॉन्फ्रेंस, जिसमें रूस ने भाग लिया और रूस ने बहुत अच्छी बात कही। रूस का कहना यह है कि अभी जो सुरक्षा परिषद है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीन पश्चिमी देश हैं। ज्यादातर आवाज इन्हीं तीन देशों की सुनाई देती है, और इन तीन देशों की समस्या यह है कि इनको लगता है कि जो इनकी चिंता है वही दुनिया की चिंता है। जो यह तीन देश बोल रहे हैं वही सत्य है। अब रही बात यह है कि इन तीन देशों के साथ यदि जर्मनी और जापान को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में डाल दिया जाए तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी और जापान के मित्र तो पहले से ही बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों के बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध हैं जर्मनी और जापान के साथ। दूसरे शब्दों में जर्मनी और जापान की आवाज ऑलरेडी सुनाई देती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि मित्र देशों के माध्यम से जर्मनी और जापान की आवाज ऑलरेडी मजबूत है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसलिए रूस का साफ तौर पर कहना यह है कि हम जर्मनी और जापान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं घुसने देंगे। ये तो बात हो गई कि जर्मनी जापान को हम नो एंट्री, पत्ता कट गया उन दोनों देशों का। लेकिन साथ में रूस का यह भी कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी एशिया और साउथ अमेरिका की आवाज सुनाई नहीं देती है, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत और ब्राजील की एंट्री होना चाहिए, यह कहना है रूस का। तो इस प्रकार रूस केवल भारत और ब्राजील की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में एंट्री का स्वागत करेगा। जर्मनी और जापान के लिए कोई स्कोप नहीं है रूस के हिसाब से। और दोस्तों लॉजिक भी बिल्कुल सही है। जिन लोगों की आवाज अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुनाई नहीं देती, जिन देशों की आवाज अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुनाई नहीं देती, जिनकी आवाज अलग है, भिन्न मत है जिनके पास, उनकी आवाज मजबूत होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और आवाज मजबूत तभी होगी जब भारत को मिलेगी परमानेंट मेंबरशिप। वैसे भी भारत और ब्राजील ब्रिक्स संगठन के देश हैं, इसलिए रूस का झुकाव भारत और ब्राजील के प्रति ज्यादा है। चीन में खड़ा होकर रूस ने जिस प्रकार भारत का समर्थन किया है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना एक लंबी प्रक्रिया है। आम सहमति बनना जरूरी है, इसमें समय भी लगेगा। लेकिन दोस्तों जो देश हमारा समर्थन करते हैं उनको धन्यवाद भी हमने देना चाहिए। अब दोस्तों आप देखिए, निफ्टी जो है 16,000 पार करने के लिए तैयार खड़ा है। कुछ दिनों पहले जब निफ्टी 15,000 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार था, चारों ओर नकारात्मकता, निराशा और हताशा का माहौल था, तब हम सभी ने चर्चा करी थी कि मार्केट में गिरावट नहीं है, ये डिस्काउंट की सेल है, ये वास्तव में कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। वैसे भी जब सब बेचते हैं तब आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, और जब सब खरीदते हैं तब आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स बेचते हैं। इसलिए वर्तमान में जबकि गिरावट का दौर चल रहा है, तब आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स अच्छा माल जमा कर रहे हैं। रही बात यह कि मान लो निफ्टी अचानक से अब टूट जाए, यदि टूटता भी है तो आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी के माध्यम से गिरावट पर और सस्ता माल जमा करते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगले 6 से 12 महीनों के लिए सुंदर निवेश करने का मौका सामने खड़ा है। यदि आपको भी एक आम इन्वेस्टर से आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर कीजिए अभी के अभी क्लिक। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।